कराची में केएमए स्कूल के बच्चों का बड़ा कारनामा। अमरीकी कौंसल खाने और दाऊद फाउंडेशन ने महारत और जहानत का मुजाहरा करने वाले बच्चों को अमरीका में खलाई इदारे नासा में अहम दौरे पर भेजा। केएमए स्कूल के तलबा ने नासा में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जायजा लिया और खलाई तहकीकत के हवाले से अपने इल्म में इजाफा किया। मजीद जानेंगे नुमाइंदे न्यूज़ वन बदी जुमा से, जो उस वक्त केएमए स्कूल में बच्चों और टीचर्स के साथ मौजूद हैं। जी बदी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कौन कहता है कि बच्चों में टैलेंट नहीं है? बच्चों में टैलेंट है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और केएमए स्कूल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के बच्चों ने वो कमाल कर दिखाया जो बहुत सारे स्कूल नहीं कर सके। तकरीबन 40 स्कूल में से 3 स्कूल जो है मुंतखब हुए और उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दिए गए USA कौंसिल और दाऊद फाउंडेशन की जानिब से। इनको जो है ख़ास तौर पर लेके जाया गया अमेरिका में नासा कैंपस में, और वहाँ पर तमाम तर जो इनको बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे वहाँ भी दिखाए भी गए, इनको मुख्तलिफ रियासतों की सैर भी कराई गई। मेरे साथ टीचर मौजूद हैं जो प्राइमरी की टीचर हैं, जो इन बच्चों को गाइड करती रही। ये बताएं क्या कुछ प्रोजेक्ट था और कैसे हुआ ये मुकम्मल, और कितना प्राउड फील करते हैं आप? जी, ये प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टेम प्रोजेक्ट था जो हमें असाइन किया गया था। टॉपिक्स उसमें से हमने उस पर हमने काम किया और हमारा प्रोजेक्ट जो है हमने विन किया। उसके विनिंग प्राइज में हमें स्पॉन्सर किया था ये ट्रिप दाऊद फाउंडेशन और US कौंसुलेट ने, और हम वहाँ नासा के ट्रिप पे गए एक वीक के लिए बच्चों के साथ। और मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि मेरे लिए एक एजाज की बात है कि बच्चे इस काबिल बन सके कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट विन किया और हमने नासा जाके वहाँ को एक्सप्लोर किया। बिल्कुल, यहाँ पर सेकेंडरी के जो टीचर हैं इन्होंने भी अपने बच्चों के साथ बहुत सारी मेहनत की, और वहाँ पर इन्होंने क्या कुछ देखा, इनको इन्होंने कितना एंजॉय किया, और खासतौर पर जिन बच्चों को इन्होंने मेहनत जिन पर की उन्होंने वहाँ पर क्या किया, ये बताएं कितना कुछ आप प्राउड फील करते हैं कि बच्चे को पढ़ाते हैं और वो टीचर का नाम रोशन करता है, वालदेन का नाम रोशन करता है। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था इब्तदा थी तो काफ़ी बच्चे साथ थे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि हम विन कर पाएंगे, क्या पोजीशंस रहेंगी। लेकिन जो है बच्चों का साथ था मेरे साथ, और जो एक आइडिया उनका निकल कर आया प्लास्टिक रोड का, वो बहुत इनोवेटिव था। तो ये आइडिया जो है, ये एक यूनिक आइडिया होने की वजह से बच्चों की जो मेहनत है और जो उनकी काविश है वो उन्हें अमेरिका तक ले गई। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि इस नासा के स्पेस एंड रॉकेट सेंटर तक हम लोग चले गए कराची के शहर से। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे स्कूल पर, एक निजी स्कूल है, तो इस इदारे को हम वहाँ तक लेकर गए, केएमए बॉयज सेकेंडरी स्कूल को। तो इट्स ऑसम मोमेंट फॉर अस के दाऊद फाउंडेशन और US कौंसुलेट को हम बहुत थैंक करना चाहते हैं कि उनके ताबून से हम वहाँ तक गए और हमारे बच्चों ने अमेरिका की सैर की और स्पेस के रॉकेट्स और रियल लाइफ स्पेस को एक्सप्लोर किया। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और ये बच्चे जो हैं मुस्तकबिल के मेमार हैं, और इन्हीं बच्चों ने कल जो है वो मुल्क की भागदौड़ भी संभालनी है। किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने पायलट बनना है, किसी ने क्या बनना है। तो अभी से अगर इनके जहन को पक्का किया जाएगा, और इस तरह के अगर छोटी सी उम्र वो अमेरिका चले जाते हैं, भाई दूसरे मुल्क चले जाते हैं, तो वाकई इनके जो है इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जो इन्होंने काम कर दिखाया वाकई ये इनाम के लायक भी थे, और जो इनको सैर कराई गई तो इन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर सीखा। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुनाया, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।